क्या हाल चाल है, क्या बोलते हैं सुनने वाली पब्लिक। ओके मुझे पर्सनली डीएम में, मेल्स पे एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे मैसेजेस आए रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग वन म्यूजिक रिकॉर्ड को लेके, एंड पीपल हैव बीन कॉलिंग देम फेक स्कैम एंड एवरीथिंग। सो इज इट रियली स्कैम? जो जो आप लोग के प्रॉब्लम्स थे एंड दिक्कतें थे, आई टॉक विद द टीम एंड आई डिसाइडेड टू पुट आउट अ वीडियो टू क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन। एंड इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ऑब्वियसली यू कैन कॉमेंट डाउन सो दैट वन म्यूजिक रिकॉर्ड कैन रीड इट एंड रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल इन द कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज डिलेज इन अप्रूवल। कि यार अप्रूवल में इतना टाइम क्यों लगता है? अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, डिस्ट्रोकिट देख लो, ट्यून कोर देख लो, कोई भी देख लो, जब आप गाना डालते हैं रिलीज के लिए, राइट, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो अगले दिन से स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, 3-4 दिन का बिजनेस डेज यूजुअली लगता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, 3-4 दिन का बिजनेस डे लगता ही है। एंड व्हेन आई से बिजनेस डेज, दैट डजंट काउंट सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे। तो 3-4 डेज बिजनेस डेज लगते हैं टू गेट द सॉन्ग अप्रूव्ड। सो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, घाई घाई नहीं करनी अपने को, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम, आप ये डिस्ट्रीब्यूटर से हटेंगे, आप कोई और पे शिफ्ट होंगे, आपको वहां पे भी ये प्रॉब्लम आनी ही है, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट, कि 3-4 बिजनेस डेज लगते ही है व्हेन यू आर पुटिंग योर सॉन्ग फॉर अप्रूवल और अपलोडिंग इट। सॉर्टेड? इनफैक्ट इनके डैशबोर्ड ने अलग अप्रूवल टाइम आप लोग को देखे रखा है, विच यू कैन इवन चेक बाय योर सेल्फ। इनका है एल्गोरिदम ऐसा। सो पैनिकिंग, जल्दबाजी करना, 10 जगह मैसेज करना, परेशान करना, दैट्स नॉट गोना वर्क। यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट, राइट? नाउ जो दूसरा इशू आता है वो ये है कि यार वन म्यूजिक रिकॉर्ड को हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनका रिप्लाई नहीं आता है। इसकी वजह से मुझे बहुत पर्सनली डीएम्स आते हैं, एंड मेरे से जितना होता है मैं वो डीएम्स को रिप्लाई करके मैं क्लियर करता हूँ। आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको मैंने पर्सनली रिप्लाई करा रहेगा उनकी वो प्रॉब्लम्स को लेकर। नाउ जो ये नो प्रॉपर कम्युनिकेशन वाला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज, इनने व्हाट्सएप एंड कॉल वाला सिस्टम इसलिए हटाया है बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स कंटिन्यूअसली, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? एक कॉल, एक मैसेज, वेटिंग पेशेंटली फॉर सम टाइम टू गेट देम बैक टू यू इज द थिंग। यहां पे भी हड़बड़ाहट बहुत होती है। अगर आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि उनका कॉल नहीं लग रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है, तो हाँ, उनने व्हाट्सएप एंड कॉल सर्विसेज डिसेबल कर दिया, बट उनका ईमेल चालू है, वो ईमेल चेक करते हैं। तो मेरा आपसे बोलने का यह मतलब, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे पास आ रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। आई एम द वन प्रमोटिंग देम, आई एम द वन मेकिंग द वीडियो, इट्स टोटली फाइन। आई वर्क विद देम, इट्स टोटली फाइन, यू कैन कम टू मी एंड आई डू आंसर यू। बट द राइट वे इज टू गो टू देम वाया ईमेल। नाउ ईमेल में भी आप एक ही ईमेल लिखे हैं, आपको जो भी दिक्कत है उसको आप थरली इलेबोरेट करके बताइए एक ही बार में। बार बार अलग अलग ईमेल आईडी से ईमेल भेजना, उसी ईमेल पे बार बार खुद ही रिप्लाई करते रहना हर एक घंटे में, 2 घंटे में, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, यहां पे बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारे लोग, अगर 1000 जने अगर सवाल पूछ रहे, तो वक्त लगता है सबको जवाब देने में, राइट? जरूरी है ये। तो ईमेल आप करिए, ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करिए, उसमें आप लिखिए क्लियरली, इलेबोरेट करके, आपको जो भी दिक्कत है आपको वहां से सॉल्यूशन आएगा। ये हो गई दूसरी बात। नाउ जो तीसरा एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यार हमारे गाने जिन जिन स्टोर पे उनने कहे थे वो सारे स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, विच इज अ राइट थिंग, यहां पे आप सही हैं, बट इसके पीछे का एक रीजन भी होगा ना, कुछ तो रीजन होगा। मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपकी ये कंप्लेन है कि मेरे गाने सारे स्टोर्स पे क्यों नहीं अवेलेबल है, कुछ ने एक्सेप्ट करा, कुछ ने नहीं करा, तो मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। वन म्यूजिक रिकॉर्ड को हटाओ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, कोई भी, अगर आप कवर आर्ट में कुछ आपका दिक्कत रहता है, आपके अगर कवर आर्ट हो गया, क्रेडिट्स हो गया, या आर्टिस्ट अपने फिलिंग में वो जो फिल करता है, या फिर जो भी चीजें रहती है, जो फॉर्मेलिटीज रहती है करने की, उसमें कोई भी अगर मिस्टेक रहती है छोटी मोटी, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो वो तो आपके इन्फॉर्मेशन पे करता है डिस्ट्रीब्यूट। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर जेन्युइनली प्रॉपरली एकदम फिल्ड रहती है, तो सारे स्टोर्स पे एक्सेप्ट होता है। अगर नहीं रहती है, तो कुछ स्टोर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं,
कुछ स्टोर्स उसे डिसेबल कर देते हैं, नहीं लेते हैं वो गाना अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो आपके गाने को लेके, तो आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में, जो नाना करके एक घंटे की वीडियो है। तो प्लीज डोंट गो ऑन कमेंटिंग स्कैम एंड दिस शिट एंड दैट शिट एंड एवरीथिंग। डोंट डू दैट। आई अंडरस्टैंड आप लोग में भी एक गुस्सा है एंड वो चीजें रहती हैं, हर एक इंसान में रहती है। आई अंडरस्टैंड, मैंने तो ये वीडियो बनाते हुए माई माइंड इज फक्ड अप, बट वॉट कैन आई डू, आई हैव टू बी पेशेंट, राइट? आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर यू गाइज कि आप लोग के ये डाउट्स क्लियर हो, बिकॉज इवन आई एम फेड अप विद द मैसेजेस, बहुत सारे आते हैं। And I also cannot help each one of them, right? तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट पर डिस्कस करा था, एक तो पेशेंटली वेट करो कम्युनिकेशन के लिए ईमेल के थ्रू, alright? दूसरा, डोंट गो ऑन कमेंटिंग स्कैम एंड दिस शिट एंड दैट शिट व्हेन योर सॉन्ग इज नॉट गेटिंग अप्रूव्ड या टाइम लग रहा है। तो डिले होता है, ऑब्वियसली होता है, 3-4 बिजनेस डेज वैसे भी लगते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन यू हैव फिल्ड, राइट? एंड द टीम वर्किंग ऑन इट, राइट? समझ रहे हो ना तुम मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और तीसरी चीज वही जो अभी हमने बात करी कि सॉन्ग सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया। Sorted. Now moving on, revenue not updated. आपको मैंने वन म्यूजिक रिकॉर्ड के सबसे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसी में मैंने बताया था कि रेवेन्यू अपडेट होता है फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑफ द रिलीज मंथ। नहीं समझ आया? आज की डेट क्या है? आज की डेट है 10 अप्रैल, ठीक है? मैंने गाना डाला, मेरा जो रेवेन्यू रहेगा, मैं ये 2 महीने में जितने गाने डालता हूं वो सेकेंड मंथ ऑफ द रिलीज मंथ के बाद वो शो करना शुरू होगा। पेशेंस, पहले ही बताया था मैंने आपको कि यू हैव टू वेट फॉर दैट, राइट? बट अगेन, नो पेशेंस। अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो एनालिटिक्स रेवेन्यू जो आपने कमाई है जनवरी में, ठीक है, लेट्स से जनवरी में जो आपने कमाई है, वो डिस्प्ले होएगी 20 मार्च के आसपास। वो जो अपडेट होएगा 20 मार्च के आसपास होएगा। जैसे YouTube में होता है, हम पूरे महीने काम करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारा $100 का थ्रेशोल्ड शो होता है, हर दिन अपडेट नहीं होता है। तो सेकेंड मंथ फ्रॉम द रिलीज ऑफ द सॉन्ग आपका रेवेन्यू वाला अपडेट होएगा। सो अगर आपने मार्च में गाना निकाला, मार्च में आपको नहीं दिख रहा है आपके रेवेन्यू पूरे महीने, तो आपको अप्रैल में दिखेगा उसका, दैट इज फॉर श्योर। तो दैट इज द एल्गोरिदम दे फॉलो, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली पुट द प्रॉपर रेवेन्यू जो आपके हक का कमाई है विदाउट द फ्रॉड। तो टाइम लगता है इसमें, एंड इनका ये पॉलिसी स्टार्टिंग से। और ये चार चीज को लेकर मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने बात करी थी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद भी कोई भी दिक्कत हो, फील फ्री टू रीच आउट इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज। एवरीथिंग विल बी रिवर्टेड। वन म्यूजिक रिकॉर्ड भी ये वीडियो देखेगा, इसको अपने रडार पे रखेगा एंड आप लोग को हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, वन म्यूजिक रिकॉर्ड इज नॉट स्कैम, अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन प्रमोटिंग इट, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है जो यूज करते हैं ये। तो अगर मैं इतना हराम ही होता कि चलो ठीक है पैसे कमाने के चक्कर में तुमसे कर लिया, लेकिन अपने दोस्तों से तो नहीं करता। तो इट इज नॉट अ स्कैम, यू कैन ट्रस्ट इट। खैर, मेरे को वीडियो में यही चीजें क्लियर करनी थी। लेट्स कीप इट शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, एंड आई एम नॉट अपसेट बाय यू गाइस बिकॉज ऑफ द वे आई एम टॉकिंग। आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, दैट इज माय पर्सनल शिट। बट दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, एंड मे बी मेरे सारे वीडियोज मेरी ऐसी शक्ल से ही आपको देखने मिलेंगे, लाइक इन अ बिट ऑफ रूड बिहेवियर, विच आई ट्राई टू मेक इट बेटर विद टाइम, यू नो, टाइम हील एवरीथिंग, राइट? सो कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट डाउन, and feel free to reach out, and I hope this video helps. Cheers.